हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबको संविधान वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संविधान का जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 46। अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 44 तक डिस्कस कर लिया है। दो आर्टिकल हमें चीजें जानेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। देखिए, जो इसका जो है DPSP से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक है। इसमें आता है पार्ट 4 में, ये चीज आप जानते हैं, ठीक है। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है पार्ट 4, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल जो 44 कहता है, सॉरी 45 कहता है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन। इसमें बात की गई है कि जो राज्य गवर्नमेंट होगी वो सुनिश्चित करेगी जो बच्चे हैं अर्ली चाइल्डहुड, जो शिशु है या जो 0-6 से 14 ईयर्स तक हैं, उनके लिए उनके क्या करेगी, केयर करेगी, चाहे उसका हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो। ये राज्य गवर्नमेंट ऊपर क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी ये चीजें। देखिए, और इसी आर्टिकल 45 में कहा गया था जो राइट एजुकेशन था, जो 40 वर्ष के लिए 6 से 14, इसे मतलब अमेंडमेंट करके हटा के फंडामेंटल राइट में बना दिया गया। क्यों, देखिए, जब संविधान बना था 1950 में, तो क्या था उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन थी सही नहीं थी, तो इसलिए DPSP में रखा गया था। बाद में DPSP में इसलिए रखा गया था, उसे उन्हें लगा कि अगर कंडीशन ठीक होगी तो इसे फंडामेंटल अधिकार बना दिया जाएगा, मौलिक अधिकार, ठीक है। जैसे DPSP में अगर राज्य गवर्नमेंट आपको नहीं प्रोवाइड करेगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट में ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कब बनाया गया था, अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 और 2002 में, मतलब इसे राइट टू एजुकेशन बना दिया गया था। जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 21 के कम है, 21 के ए में, जो भी चीज़ें ए और कम है उस चीज़ें बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें बताई गई किसमें, तो आर्टिकल 45 में। तो राज्य के ऊपर गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट के ऊपर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सबके लिए, देखभाल के लिए। अब यही आर्टिकल 46 जो बात करती है आपकी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC ST OBC। इसमें आर्टिकल 46 में बताया गया है दोस्तों कि जो राज्य गवर्नमेंट होगी, इन्हें स्पेशल प्रोविजन दिया गया कौन कौन से लोग हैं, SC और ST OBC। इसी में बात किया गया है जैसे रिजर्वेशन वगैरह हो गया कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए एजुकेशन में। या देखिए, ऐसा क्यों बताया गया है, आए दिन कंट्रोवर्सी हो जाता है जैसे रिजर्वेशन का, तो जो राज्य गवर्नमेंट है वो अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके उत्थान के लिए ये चीज़ें लाया गया है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, या इसी पॉलिटिक्स इंटरेस्ट जुड़ा जाता है, जैसे जो मिलेट पंचायत होती है, चुनाव होती है, तो सीट कभी होती है SC ST या OBC जनरल, तो ये चीज़ें इनका भी भागीदारी रहता है चीज़ें, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक बेस पे, तो जैसे उनके राशन कार्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो एक चीज़ें, ठीक है। या स्कॉलरशिप मिलती है जैसे बच्चों को SC ST OBC, तो ये क्या करेगी, राज्य गवर्नमेंट के क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य गवर्नमेंट के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये चीज़ें प्रोविजन इनके प्रावधान में लाएगी, इफेक्ट में लाएगी, ताकि देखिए इनका वो उत्थान हो सके। तो आई होप आपको 45 और 46 आर्टिकल समझ में आया होगा। सो गाइस, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।